इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लेजर करेक्टिव सर्जरी जिससे चश्मे का पावर हटाया जाता है, ये क्या है, कैसे किया जाता है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले हम आँख का सबसे पहले हम देखते हैं कि आँख पे लाइट किस तरह से प्रवेश करता है। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि आँख पे लाइट कॉर्निया और लेंस के होते हुए रेटिना पे जाके फोकस जाता है और रेटिना पे एक पॉइंट फोकस बन जाता है। ये उन पेशेंट्स में होता है जिनका पावर जीरो होता है और उनको कोई चश्मा पहनने का जरूरत नहीं होता है, ये एकदम आइडियल सिचुएशन है। बट जिन पेशेंट्स में माइनस पावर होता है, जिसे हम लोग मायोपिया कहते हैं, उन पेशेंट्स में ये जो लाइट है, ये लाइट रेटिना के सामने फोकस हो जाती है। तो जिसको हम लोग पॉइंट फोकस बोलते हैं, ये रेटिना के सामने बन जाता है, जिसके कारण पेशेंट को यदि क्लियरली देखना है तो एक कॉन्केव लेंस का सहारा लेना पड़ता है या चश्मे का सहारा लेना पड़ता है, जिसके थ्रू यह पॉइंट फोकस वापस रेटिना पे चले जाता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया इसका अपोजिट कंडीशन है, जिसमें लाइट आँख में एंटर होती है लेकिन पॉइंट फोकस जो है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो इन केसेस में पेशेंट को कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनना पड़ता है, जिससे कि ये पॉइंट फोकस रेटिना के ऊपर आ जाए और फिर पेशेंट को क्लियरली दिखने लगे। तो लैसिक क्या करता है? तो लैसिक का प्रिंसिपल या लेजर करेक्टिव सर्जरी का प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है कि जो कॉर्निया स्ट्रक्चर है उसका कर्वेचर को चेंज करना है। उसको कर्वेचर को ऐसे चेंज करना है कि जो पॉइंट फोकस है पेशेंट का रेटिना पे बन जाए। तो यदि वो मायोप है तो कर्वेचर चेंज करके उसका कन्वर्जेंस एबिलिटी को थोड़ा सा कम किया जाता है और वो रेटिना पे चल जाता है, और हाइपरमेट्रोप है तो कन्वर्जेंस बढ़ा दिया जाता है और वो रेटिना पे चल जाता है। तो जैसे कि मायोपिया है, जैसे हम बताए थे कि इसमें कॉर्निया का जो कर्वेचर है इसको फ्लैट किया जाता है तो लेजर के द्वारा, और हाइपरमेट्रोपिया में इस कर्वेचर को स्टीप कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, जिसके कारण लाइट का फोकस रेटिना पे चले जाता है। अब ये डिग्री ऑफ फ्लैटनिंग या डिग्री ऑफ स्टीपनिंग डिपेंड करता है कि कितना पेशेंट का करेक्शन करना है। इतना हाई करेक्शन होगा उतना ही कॉर्निया में चेंजेस ज़्यादा होंगे। यदि हम लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी की बात करें तो ये दुनिया में हाईएस्ट पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट है। सारी सर्जरीज को यदि हम देखें तो उसमें से इस सर्जरी में, लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी में, सबसे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन रेट है और ये रेट करीब 95% है। क्या हर पेशेंट के लिए ये प्रोसीजर किया जा सकता है? नहीं, इसके बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हैं और इसी का कुछ लिस्ट आपके सामने ये दिख रहा है। पेशेंट का एज 18 के ऊपर होना चाहिए, इसका पावर +5 से -12 के बीच में होना चाहिए, पेशेंट को किसी तरह का आई डिजीज नहीं होना चाहिए, जैसे कि केराटोकोनस, ग्लॉकोमा, कैटरैक्ट, ड्राई आई या ऑप्टिक नर्व कंडीशन। पेशेंट को कोई भी एक्टिव या रेसिडुअल आई कंडीशन जैसे कि ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑक्युलर हर्पीस, एम्ब्लायोपिया, जैसे वो सब नहीं होना चाहिए। प्लस पेशेंट को किसी तरह का आई का एलर्जी नहीं होना चाहिए। उसी तरह से बॉडी में कोई ऑटोइम्यून कंडीशन जैसे कि ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब नहीं होना चाहिए। यदि डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ वेल कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, ताकि और कोई डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट को नहीं होना चाहिए। पेशेंट यदि प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन के स्टेज में है या प्लान कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी अगले 6 महीने में करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस को लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं करना चाहिए। लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी दो टाइप का होता है, एक होता है PRK, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टोमी, और दूसरा होता है लैसिक। तो PRK में, जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, दो नंबर इमेज में एक देख रहे हैं कि कॉर्निया जो है उसमें उसका जो सबसे ऊपर का लेयर है, जिसको हम लोग एपिथिलियम बोलते हैं, उसको एक इंस्ट्रूमेंट से हटाया जा रहा है। एपिथिलियम हटाने के बाद तीन नंबर के फिगर में देखिए एक लेज़र बीम कॉर्निया के ऊपर यूज़ हो रहा है, जिससे कि ये ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो रहा है। और इसके बाद 4 नंबर में उस एरिया में एपिथिलियल डिफेक्ट हो जाता है, और ये डिफेक्ट भरने में कभी करीब करीब 2 से 3 दिन लगता है, और इस बीच में पेशेंट को एक कॉन्टैक्ट लेंस हम लोग पहनाते हैं, और वो लेंस जब तक रहता है जब तक एपिथेलियल हील नहीं कर जाता है।
पहला 24 घंटा पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट होता है पीआरके में। लेंस के बारे में अभी हम बता रहे थे, 3 से 5 दिन पहनना पड़ता है, 2 सप्ताह तक थोड़ा सा ब्लरिंग तो रहता है विजन में, और यूजली 4 सप्ताह में ये ब्लरिनेस कम हो जाता है और पेशेंट का विजन ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। अब लैसिक के बारे में देखते हैं। लैसिक में सेम कॉर्निया में एपिथेलियम को कुछ नहीं करता है या स्किन को कुछ नहीं करता है, बट लैसिक में करीब 100 माइक्रॉन का एक फ्लैप बना देते हैं। ये फ्लैप बनाने के लिए माइक्रोकेरेटोम या फेमटोसेकेंड लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैप बनाने के बाद उस फ्लैप को लिफ्ट किया जा सकता है, लिफ्ट किया जाता है जैसे कि आप 2 नंबर फोटो में देख रहे हैं। उसके बाद फ्लैप को साइड में करने के बाद फिर लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है जो कॉर्निया का जो बेड है उस पर, और उस लेजर ट्रीटमेंट करने के बाद कॉर्निया का फ्लैप वापस रख दिया जाता है, और इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नाउ फ्लैप रखने के बाद करीब करीब 2 से 3 मिनट लगता है फ्लैप को जुड़ जाने में, तो इस 2 से 3 मिनट तक हमें वेट करना पड़ता है उस जुड़ने का, और उसके बाद प्रोसीजर खत्म हो जाता है। यदि टोटल टाइम देखा जाए लैसिक में तो फ्लैप बनाने में करीब 10 से 15 सेकंड लगता है, लेज़र देने में करीब 10 से 25 सेकंड लगता है डिपेंडिंग ऑन कितना पावर करेक्ट कर रहे हैं, और फ्लैप को वापस जुड़ने में करीब 2 मिनट लगता है। तो देखेंगे तो एक्चुअल प्रोसीजर सिर्फ 3 से 4 मिनट का है, लेकिन टोटल प्रिपरेशन करने में और टोटल कंप्लीट हो जाने में करीब करीब ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट हर एक आई में लग जाता है, तो टोटल 20 से 25 मिनट लगता है प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो ये इंफॉर्मेशन था कि कैसे लैसिक किया जाता है। एक बात जानना होगा कि इस दोनों ही प्रोसीजर में किसी तरह का दर्द नहीं होता है, क्योंकि पेशेंट को आंखों में एक ड्रॉप दिया देखे आंख टोटली सुन कर देते हैं। पेशेंट को सिर्फ इतना फीलिंग होता है कि उसकी आंख में कुछ हो रहा है, कभी कभी प्रेशर का सेंसेशन आ सकता है, बट किसी तरह का पेन नहीं होगा। तो इसलिए जब भी प्रोसीजर के लिए जाएं तो एकदम रिलैक्स होकर जाएं, किसी तरह का इंजेक्शन किसी तरह का पेन नहीं होता है। यदि हम पीआरके और लैसिक का दोनों का डिफरेंस देखें तो इन लैसिक और पीआरके में ये डिफरेंस है कि पेन और डिस्कम्फर्ट पीआरके में लैसिक के मुकाबले ज़्यादा होता है। लेंस पीआरके में पहनना पड़ता है जबकि लैसिक में लेंस यूजुअली कोई लेंस का कोई जरूरत नहीं होता है। विजुअल रिकवरी पीआरके में करीब 1 से 2 सप्ताह लग जाता है जबकि लैसिक में नेक्स्ट डे से ही पेशेंट क्लियरली देखने लग जाता है। पीआरके में पावर स्टेबल होने में करीब करीब 1 महीना लग जाता है जबकि लैसिक में पावर स्टेबिलिटी करीब करीब 2 सप्ताह में हो जाता है। पीआरके उन पेशेंट्स के लिए सुटेबल है जिनका कॉर्निया थोड़ा पतला है और जिनका बहुत छोटा सा पावर का इशू है, जबकि लैसिक में बड़ा रेंज होता है करेक्शन का। ऑपरेशन के समय पीआरके में कोई कॉम्प्लिकेशन का चांस नहीं होता है जबकि लैसिक में फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली पीआरके में कोई मेजर इशू नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कॉर्नियल हेज हो सकता है, जबकि लैसिक में जो फ्लैप है वो कभी कभी डिस्प्लेस हो जाता है किसी इंजरी की वजह से, या कभी कभी अपने आप भी डिस्प्लेस हो जाता है। यूजुअली पीआरके उन पेशेंट्स में रिकमेंड करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलने का हैबिट होता है, फॉर एग्जाम्पल रेसलिंग हो गया, जूडो, कराटे, या फिर जो लोग काफ़ी कॉम्बैट हाथापाई वाला स्थिति में काम करते हैं जैसे कि आर्मी, पुलिस और इस तरह के पेशेंट्स। लैसिक में जबकि उन पेशेंट्स के लिए प्रेफर किया जाता है जो बहुत फास्ट रिकवरी चाहते हैं और जिन्हें नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी जाना चाहते हैं, उन पेशेंट्स के लिए ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स यदि हम देखेंगे तो पेशेंट का विजन इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट डे से ही होना शुरू हो जाता है लैसिक में। पेशेंट को नॉर्मल अपना काम करने के लिए 2 से 3 दिन का समय लगता है, उसके बाद वो अपना सब काम चालू कर सकते हैं जैसे ऑफिस जाना, कॉलेज जाना। रीडिंग और कंप्यूटर वर्क सेकेंड डे से परमिटेड होता है। पानी से कॉन्टैक्ट 2 सप्ताह के लिए अवॉइड करना होगा, और एक प्रोटेक्टिव चश्मा देते हैं वो पहन के रखना पड़ेगा। जो वाटर स्पोर्ट्स होता है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स तक अवॉइड करना चाहिए लैसिक के बाद। समटाइम्स कुछ पेशेंट्स में विजन फ्लक्चुएट करता है, कभी कभी ब्लरिंग लगता है, ये यूजुअली विद टाइम सेटल हो जाता है। नाउ लैसिक में जो कॉम्प्लिकेशन का रेट होता है वो लेस देन 1% होता है, और यूजुअली फ्लैप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो फ्लैप में
कभी कभी फ्लैप पूरी तरह से नहीं बनता है जिसको हम लोग इनकम्प्लीट फ्लैप बोलते हैं, कभी कभी फ्री कैप बन जाता है जिसका मतलब है फ्लैप पूरी तरह से कॉर्निया से हट जाता है या फट जाता है, और कभी कभी उसमें बटन होलिंग हो जाता है। तो इन तीनों ही सिचुएशन में प्रोसीजर उसी स्टेज पे रोक देते हैं एंड फिर इस प्रोसीजर को करीब 3 से 4 महीने के बाद रिपीट किया जा सकता है और लैसिक का प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है। लैसिक इंड्यूस ड्राई आई, लैसिक के बाद अक्सर देखा गया है कि आप 6 महीने तक पेशेंट को एक ड्राइनेस का फीलिंग होता है आई में, जो कि मैनिफेस्ट करता है एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन के रूप में, या कभी कभी जलन लगता है या कभी कभी विजन फ्लक्चुएट करता है। ऐसे केसेस में पेशेंट को 6 महीने तक आर्टिफिशियल टीयर सब्स्टिट्यूट ड्रॉप देना पड़ता है, जो जिसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि कितना सीवियरिटी है ड्राई आईज का, पर 6 महीने के बाद ये ड्राई आई यूजुअली पूरी तरह से रिजॉल्व कर जाता है। कभी कभी लैसिक होने के बावजूद भी पेशेंट को चश्मे का पहनने का जरूरत पड़ सकता है, इसको हम लोग अंडर करेक्शन बोलते हैं, और ये बहुत कम चांस होता है, less than 5% केसेस में। ऐसे केसेस में पेशेंट को बहुत छोटा सा पावर पहनने का जरूरत पड़ता है जब बहुत दूर का देखना है तब। इन सम केसेस यदि ये पावर थोड़ा ज़्यादा है तो इसको रिपीट लेजर करके कम किया जा सकता है। बहुत रेयर केसेस में नाइट विजन सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि लाइट के आसपास लाइंस दिखना या लाइट के आसपास हेलो दिखना। लाइंस को देखने को हम लोग स्टारबर्स्ट कहते हैं। ये सिम्टम्स यूजुअली लो लाइट में होता है और धीरे धीरे विद टाइम ये कम हो जाता है। पीआरके स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीआरके हेज, जो बहुत रेयर है एंड इसकी वजह से बहुत रेयरली विजन भी कम हो सकता है। इस कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है यदि प्रॉपर ड्रॉप का कोर्स लिया जाए जो हम लोग देते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचना है जिसके लिए सनग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। एक्टेशिया एक बहुत रेयर कंडीशन है जिसमें कि कॉर्निया का एक पोर्शन काफ़ी वीक हो जाता है और वो सामने प्रोजेक्ट करने लग जाता है, और ये बहुत रेयर कंडीशन है, 5,000 केसेस में एक केस में हो सकता है। एंड ये केस यदि हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट लैसिक या पोस्ट पीआरके एक्टेशिया, और इसमें ट्रीटमेंट का आवश्यकता होता है। सो कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि लैसिक या पीआरके या रिफ्रैक्टिव लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी एक काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है चश्मे के पावर को हटाने के लिए। एंड इस प्रोसीजर में सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होता है, हर किसी में ये नहीं कर सकते हैं। एक बार सिलेक्शन हो जाता है किसी भी पेशेंट का तो इसमें करेक्शन का चांस बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 95% पेशेंट्स का पावर पूरी तरह से ज़ीरो हो जाता है। जिन लोगों का ज़ीरो नहीं भी होता है तो वो चश्मे का डिपेंडेंस उनका नहीं रहता है और वो ज़्यादातर काम अपना बिना चश्मे के ही कर पाते हैं। रिस्क और कॉम्प्लिकेशन का चांसेस बहुत कम है, रेयर है, और ज़्यादातर केसेस में वो कॉम्प्लिकेशन को भी मैनेज किया जा सकता है। तो लैसिक प्रोसीजर जो पिछले 25 सालों से हो रहा है पूरी दुनिया में, ये पेशेंट का इन जनरल क्वालिटी ऑफ विजन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। थैंक यू।